बेटा। जी बाबूजी। वो लक्ष्मण शहर से आ गए ना? शंकर उठ गया? बात नहीं। वो फ्रेश हो जाए ना तो उसे मेरे पास भेज दे। बाबूजी, आप चाहते क्या कि वो जब चाहे आए और जब चाहे चले जाए और हम उससे कुछ रह गए? देख बेटा, वो तेरा छोटा भाई है, शायद वो जो कुछ भी कर रहा है, पर मुझे भी कभी कभी डर लगता है। लेकिन दादाजी, दादाजी, गुड मॉर्निंग। जीती रहे बेटी, कैसी है? निकी, ये ले दवाई पी। नहीं, आज छुट्टी है, आज मैं दवाई नहीं लूंगी। पिंकी, छुट्टी हो या ना हो, दवाई पीना जरूरी है ना, भूल गई तू? सबसे बच सकते हैं, डॉक्टर से कोई नहीं बच सकता, है ना आंटी? अरे रायना, तुम तो कभी रास्ता बोलती नहीं, आज किसे रास्ता बोलूं? छोटे चाचू, चाचू जो आए हैं, तो रायना आंटी तो रास्ता भूल ही जाएंगी। एक बात और बोलूं, रायना आंटी को मेरी चाची मानना है। आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है, स्टूपिड। जबान है तो चलाने के लिए। क्यों पिंकी? चाचू चाचू, पापा मुझे स्टूपिड कहते हैं। स्टूपिड का मतलब मालूम है? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, पॉसेसिव, टैलेंटेड, बैडली। ओके पापा, आप मुझे स्टूपिड कह सकते हो। तुम लोग अंदर जाओ, मुझे लक्ष्मण से कुछ बातें करनी है। ओके, मैं सबके सामने ही बात कर दूं। लक्ष्मण, तुम शहर में काम क्या करते हो? और ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जब चाहे चले आते हो, जब चाहे चले जाते हो। मैं बताती हूँ। तुम कौन? जी बाबूजी, ये लक्ष्मण की दोस्त है। नहीं मानस, प्लीज मत बताओ। लकी, आज मुझे सच बोलने दो, आज के बाद लकी कहीं नहीं जाएगा। पिंकी के इलाज के लिए जो 50 लाख की जरूरत थी, उसे इकट्ठा करने के लिए। शहर में पैसे क्या रास्ते में पड़े होते, जो ये जाएगा उठाकर लेकर आएगा? बाबूजी, मुझे तो लगता है कुछ गलत कर रहा है। ये वो कर रहा है जो आप पाप होकर भी नहीं कर सकते। बाबू जी, जो हर हफ्ते शहर जाया करता था अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, आखिर पिछले हफ्ते इसने अपनी किडनी बेच ही दी। ये लीजिए 50 लाख रुपए जो इसने अपनी किडनी बेच के कमाया।